नहीं चलते हैं अब क्या लोग स्टूडेंट्स या फीस पूछने में ज्यादा कंसंट्रेटेड हो गए हैं। सर देखिए, फीस तब आप चीज की मांगो मानो जब आपको उस चीज पे बिलीव हो जाए। और मेरा पर्पस पहले तो ये है कि पहले आपको चीज समझ में आनी चाहिए। चीज तो जब समझ में आ जाएगी तो आप कोई भी प्राइस देने को तैयार हो जाओगे, बट पहले चीज समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अब इसको अगर आप देखोगे टोटल Q&A के भी लेसन अगर मैं मिला दूं तो 30+ हो चुके हैं, ठीक है। वैसे मेन कंटेंट जो है 8 to 10 आवर्स का है, ठीक है। अदरवाइज सब कुछ आप मिला लोगे तो मोर देन 30 आवर्स से, मतलब इवन हो सकता है 40 आवर्स से ऊपर हो चुके हैं, क्योंकि पिछले 3-4 महीने से हम लोग हर हफ्ते Q&A सेशन कर रहे हैं, ठीक है। मतलब अगर 4 हफ्ते आप 4 महीने 3 महीने मान लो, 3 महीने में आपके 12 हफ्ते हो गए, 12 वीक्स, 12 वीक्स इंटू 1.5 भी अगर मानो तो 18 आवर्स वहां से हो गए, मतलब अल्टीमेटली 30 क्रॉस कर चुका है, ठीक है। 15 आवर्स का स्कैनर आपको मिलेगा इस कोर्स के साथ में, ठीक है, वो फ्री होगा। फेसबुक कम्युनिटी डिस्कशन के लिए मिलेगी, बट उसकी एक कंडीशन है, ठीक है, वो फ्री है बट उसकी एक कंडीशन है फ्री रहने के लिए, ठीक है, वो बताऊंगा अभी। वीकली लाइव Q&A सेशन आपको मिल रहा है, टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप ओनली फॉर GCD स्टूडेंट्स हैज स्टार्टेड, ठीक है, ये भी आपको मिल रहा है, ठीक है। अब इसमें लमसम 150 के ऊपर स्टूडेंट्स हो चुके हैं, ठीक है। इसके बाद में अगर आप देखो तो फेसबुक कम्युनिटी एक मिली आपको, ठीक है, जहाँ पे आप डिस्कशन करोगे। वीकली लाइव Q&A सेशन एवरी मंडे होते हैं, ठीक है। टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप, ठीक है, टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप भी आपको मिल रहा है, समझो आप, ठीक है। मोर वेज टू सपोर्ट कमिंग इन फ्यूचर, ठीक है। तो ये 3 मेन तरीके तो हो ही गए आपको सपोर्ट करने के, ठीक है। अगर ये 3 तरीके मेन है, आप सोचो बचा क्या। मान लो कि आपको कुछ क्वेश्चन है, डाउट है, आपने फेसबुक कम्युनिटी में डाला, कोई ना कोई मेंबर आपका सॉल्व कर देता है, ठीक है। उसके बाद में टेलीग्राम में आपने डाला, कोई ना मेंबर कोई सॉल्व कर देता है। जो नहीं होता मैं आकर के देख लेता हूँ, ठीक है। लाइव Q&A सेशन में मेरे से पर्सनल इंटरेक्शन होता है। अभी रिसेंट में बताऊँ, मेरे एक स्टूडेंट ने एक Q&A सेशन किया, ठीक है, तो वो एक एक्स्ट्रा बोनस हो गया आपके लिए कि, और उन्होंने वो चीजें सॉल्व कर दी जो मैं अभी तक शायद नहीं सॉल्व कर पाया था, क्योंकि वो एज अ बिगिनर, मतलब एज अ स्टूडेंट सोच रहे थे, तो उन्होंने वो चीजें सॉल्व कर दी। 1.5-2 घंटे का उन्होंने सेशन लिया था, मजा आ गई सच में। मतलब मैंने अभी भी देखा नहीं है, बट लोग इतना अप्रिशिएट कर रहे थे जिन्होंने उस सेशन को देखा था, ठीक है। अब इन सब की रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाती है, जो भी Q&A वगैरह होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए GCD मेथड आपको क्या क्या दे रहा है। 80% से ज्यादा विन रेट, ठीक है, प्रेडिक्ट कर सकते हो आप। 10 15 20 25 30 क्या क्या परसेंटेज आपने देखे थे, आप ज्यादा बेटर जानते हो, ठीक है। ये सब आप को मिल सकते हैं, आप कर सकते हो। ऑप्शन एक्सपायरी की बात करो तो ICICI बैंक मैंने आपको दिखाया 10 टाइम्स हुआ, 2 टाइम्स तो मिनिमम हो ही जाता है। आपको मैंने रिलायंस इन्फोसिस दिखाया 2 टाइम्स, 2.5 टाइम्स, तो ऐसे ही करके पिछले हफ्ते दिखा दिया, ठीक है। तो इसके लिए तो मतलब आपको सोचना ही नहीं है कि यार क्या होता है इसमें। यार आप सोचो, रिलायंस एंड इन्फोसिस इतने प्रीमियम स्टॉक्स हैं जो कि इतनी जल्दी मूव नहीं करते कि ऑप्शन डबल हो जाए, और वो आपको मैंने डबल करके दिखा दिया, ठीक है, जस्ट फॉर सेक की भाई मैं ये चीज बड़ा सिंपल सा है। और मैं बड़े प्रीमियम स्टॉक्स पे भी दिखा के करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोग ऐसे कहते हैं सर मैं जिस ऑप्शन में जाता हूँ उसमें लिक्विडिटी नहीं होती, तो मैंने इन्फोसिस और रिलायंस में करके दिखाया जिसमें प्रॉपर लिक्विडिटी है, ठीक है। परफॉर्मेंस विदाउट लुकिंग एट न्यूज, एग्जैक्ट टाइमिंग्स टू एग्जीक्यूट द ट्रेड्स, बिग प्रॉफिट्स स्मॉल स्टॉप लॉसेस, पिन पॉइंट एक्यूरेसी ऑफ द एग्जैक्ट एंट्री डेट, एग्जिट डेट भी, ठीक है। तो अल्टीमेटली मार्केट को आप आउट परफॉर्म कर रहे हो। मेरे को याद है मैंने 2017 में लमसम एक पर्सन से इसका वो करवाया था कि इसका वो ड्रॉडाउन निकालो, मतलब कुछ की, मतलब अगर इसी बेसिस पे करा जाए इसको क्या निकल के आ सकता है। तो उन्होंने निकाला था कि लमसम अगर 2003 में या 2001 में अगर इसको स्टार्ट करते तो 2008 तक लमसम कैपिटल 100 टाइम से ज्यादा हो चुकी होती, 2008 के क्रैश में हाफ हो जाती कैपिटल, फिर वापस वहां से 2017 तक ये लमसम 300 गुना हो चुकी थी, मतलब 300 टाइम 300 टाइम्स, मतलब टोटल शुरू से लेकर के जहां पे 100 टाइम्स हुआ यहाँ पे 300 टाइम्स हो चुकी होती। तो अब आप सोचो कि यार मार्केट का क्रैश और सब कुछ अब्जॉर्ब करने की ताकत है मेथड में। हाफ देखिए, वहां पे 2008 में जो क्रैश आया वहां पे हाफ ये भी हुआ, ठीक है, बट वहां पे जो हमने किया, वहां पे मैंने निफ्टी की जो पुट का तरीका मैं बता रहा हूँ वहां पे वो अप्लाई नहीं किया। वो अगर हम अप्लाई करते हुए चलते उससे क्या रिटर्न आता, वो अभी हमने कैलकुलेट भी नहीं किया, ठीक है। आगे चलते हैं, खुद के फंड मैनेजर आप बन सकते हो, प्रीमियम लेवल एनालिस्ट बन सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो, पता नहीं कितने रास्ते आपके खुलते हैं, ठीक है। अब ये सब चीजें आप सोचो कि क्या बोलूं, आप ज्यादा बेटर समझते हो, ठीक है। अभी अगर आप आते हो इस मेथड के अंदर तो यार बहुत कुछ बच सकता है, न्यूज डिस्ट्रैक्शन बच सकता है, बोगस मेथड्स बच सकते हैं, ठीक है। मंथली टिप्स कॉल्स फ्रॉम ब्रोकर्स आपको नहीं मिल, मतलब लेने की जरूरत है। सबसे बड़ी बात, आपके इंडिकेटर्स जो फालतू का चार्ट आपका क्लटर कर देते हैं, जो इतना गंदा आपके चार्ट को बना देते हैं, वो सब हट जाएंगे, सबसे बड़ा तो वही है। और जैसा क्लटर आपका चार्ट होता है वैसी आपकी लाइफ हो जाती है। सोचो आप उस चार्ट को पूरा दिन देखते हो, पूरा दिन मतलब 3:30 बजे तक तो एटलीस्ट देखते होगे, तो आपका माइंड में क्या जा रहा है, आप माइंड को क्या फीड करवा रहे हो, आपका चार्ट बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए।
ठीक है, वो बात अलग है कि जब हम एंट्री करते हैं तो हम टेक्निकल कुछ लगाते हैं, ट्रेंड लाइन लगाते हैं, थोड़ा सा वो सब चीजें करते हैं, बट अल्टीमेटली अभी तो आपका चार्ट सब कुछ लगाया हुआ है और निकल के कुछ नहीं आ रहा है, वो चीज गलत है। स्क्रीन मॉनिटरिंग से लगातार अगर आप स्क्रीन देख रहे हो, आपने ऐसे अच्छे ट्रेडर देखे होंगे ना जो खूब सारी स्क्रीन लगाए होते हैं बड़ी बड़ी गोल टाइप की, भाई वो इंट्राडे ट्रेडर है, ठीक है। और इंट्राडे ट्रेडर वो है, आप सोचो आप इंट्राडे ट्रेडर बनने जा रहे हो, क्यों बनने जा रहे हो, क्योंकि आपकी कैपिटल छोटी है, आपकी कैपिटल छोटी है, आप इतनी बड़ी स्क्रीन अफोर्ड नहीं कर सकते, और उसके बाद में आपसे बोला जा रहा है आप भी बन जाओगे। भाई वो तो बने ट्रेडर कैसे, बड़े बड़े मतलब बड़ी बड़ी स्क्रीन से लगा करके ट्रेड कर रहे हैं, अच्छी बात है वो पैसे कमा रहे हैं, बट आप क्या उतनी स्क्रीन बड़ी अफोर्ड कर सकते हो, आप क्या एक साथ 50 स्टॉक को जाकर के ट्रैक कर सकते हो इस तरीके से जैसे वो बड़ी स्क्रीन में कर रहे हैं? तो अगर नहीं कर सकते तो आपको पहली चीज तो यार स्क्रीन पे इतना स्ट्रेन अगर आप आंखों को दोगे तो क्या होने वाला है आपका, ना माइंड चलेगा ना हेल्थ सही होगी, आंखें सूख जाएंगी, आंखों में पानी होता है और वो सूख गया तो फिर बहुत सारी दिक्कतें और पैदा होती हैं। हमें देखिए हम ट्रेडिंग में क्यों आए थे, आप सोचो। देखिए कोर्स की फीस मैं बाद में बताऊंगा, आप लोग अभी भी परेशान मत हो, मैं सारी बात मेरे को कंप्लीट कर लेने दो। हमारी लाइफ जो है, हम मार्केट में क्यों आए थे, आपको पहले ये सवाल अपने से करना है। हम मार्केट में पैसा कमाने आए थे, ना कि अपनी लाइफ को बर्बाद करने आए थे। सेम चीज मैं भी अपने से पूछता हूँ, मगर मैं इस बात में सेटिस्फाई हो जाता हूँ कि मैं मार्केट की स्क्रीन में पैसा टाइम कम लगाता हूँ, मैं रिसर्च में टाइम ज्यादा लगाता हूँ। तो मेरे लिए एक बुक को पढ़ना स्टॉक मार्केट से रिलेटेड मेरे लिए कोई भी दिक्कत नहीं, मेरा दिमाग तेज हो रहा है। अगर आप बुक को पढ़ो, मैं किंडल एडिशन नहीं पढ़ता, मैं फिजिकल एडिशन पढ़ता हूँ, ये भी बता दूं, फिर किंडल एडिशन से फिर मेरी दिमाग वही स्ट्रेन ले रही है। तो मैं किंडल एडिशन नहीं पढ़ता, मैं फिजिकल एडिशन पढ़ता हूँ, फिजिकल ही बुक को पढ़ने में बिलीव करता हूँ। तो वो जब करता हूँ तो मेरा दिमाग तेज हो रहा है, कुछ अगर लिख रहा हूँ नोट्स बना रहा हूँ तो मेरा दिमाग तेज हो रहा है, बजाय मार्केट में स्क्रीन के सामने टाइम बर्बाद करने जिसमें मैं कोई एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ, मैं इस पे ज्यादा फोकस करता हूँ। तो वही चीज आपको भी करनी चाहिए, कितने ही पैसे आप बचा सकते हो बहुत सारे तरीकों से, ठीक है, जो जीसीडी आपको प्रोवाइड करता है।